वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ एट योर होम। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू SST ऑफ क्लास 4 एंड चैप्टर नंबर 12 अबाउट मिनरल रिसोर्सेज। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रीड एंड एक्सप्लेन द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। दिस इज पेज नंबर 5555। चैप्टर नंबर 12 अबाउट मिनरल रिसोर्सेज। मैनी थिंग्स दैट वी यूज डेली आर मेड अप ऑफ मेटल्स। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो हम डेली यूज़ करते हैं वो धातुओं से बनी होती है, मेटल्स से बनी होती है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड आर ऑल मेटल्स। हम इनकी अगर बात करें, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड सभी क्या है? मेटल है। दे आर टेकन आउट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? इन्हें पृथ्वी के अंदर से, ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। इंट्रोड्यूसिंग मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में अब हम बात करें। ऑल रॉक्स ऑन अर्थ हैव मिनरल्स इन देम। जितने भी रॉक्स हैं, चट्टाने हैं पृथ्वी पर, इन सब के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। मेटल्स आर टेकन आउट ऑफ मिनरल्स। और जो मेटल्स होते हैं ये भी मिनरल्स में से ही बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं। रॉक कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर मिनरल इज कॉल्ड द ओर। ओर जो है हम किसे कहते हैं? एक ऐसी चट्टान को जो कि किसी पर्टिकुलर मिनरल को, जिसके अंदर बहुत सारा पर्टिकुलर कोई भी मिनरल कंटेन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। ऑफ दैट मिनरल, उस मिनरल की ओर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स ओर आर फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ज़्यादातर मिनरल ओर्स हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? अर्थ के जो सरफेस है उसके बिलो, नीचे पाई जाती हैं। सम आर फाउंड ऑन द सरफेस एंड सम एट द बॉटम ऑफ द सी। कुछ ऐसी ओर्स होती हैं जो कि सरफेस पे पाई जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो सी के बॉटम में पाई जाती हैं। डिगिंग आउट मिनरल ओर्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। और मिनरल ओर्स को खोदा जाता है जब अर्थ से, अर्थ में, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। डीप होल्स आर डग इनटू द अर्थ टू टेक आउट मिनरल ओर्स। बहुत गहरे गहरे जो है गड्ढे खोदे जाते हैं अर्थ में मिनरल ओर्स को प्राप्त करने के लिए। सच होल्स आर कॉल्ड माइंस। और ऐसे जो होल्स होते हैं इनको हम माइंस कहते हैं। काइंड्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। जो मिनरल्स होती हैं इनके दो उसमें डिवाइड होती हैं, दो प्रकार में डिवाइड होते हैं, एक मेटेलिक और एक नॉन मेटेलिक। वी गेट मेटल्स सच इज आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम मेटेलिक मिनरल। जो ये वाले मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, ये हमें मेटेलिक मिनरल्स से मिलते हैं। और जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं इसमें क्या क्या आते हैं? सॉल्ट, कोल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन एंड प्रीशियस स्टोन। कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज एज फ्यूल। जो कोल और पेट्रोलियम है ये फ्यूल्स, मतलब ईंधन जैसे यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स। और इनको हम मिनरल फ्यूल्स भी कहते हैं। मेटेलिक मिनरल्स। आयरन इज यूज टू मेक टूल्स, यूटेंसिल्स, मशीन्स, ब्रिजेस, कोचेस एंड रेलवे इंजन्स। जो आयरन होता है उससे हम बहुत वाइड उस पर यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए। इनसे टूल्स बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, मशीनरीज बनाई जाती हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं, पुल जो होते हैं, कोचेस जो होते हैं रेलवे इंजन के वो बनाए जाते हैं, और भी इसके अलावा काफ़ी कुछ इससे बनाया जाता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ गुड क्वालिटीज आयरन ओर। इंडिया में जो है बहुत मात्रा में अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर पाया जाता है। अबाउट हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। जो टोटल प्रोडक्शन होता है, जितना जो हमारे जो भी निर्माण होता है उसका जो है हाफ एक्सपोर्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द आयरन ओर माइंस आर इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज़्यादातर ओर माइंस कहाँ पाए जाते हैं? तो वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इंडिया हैज़ मेनी आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज इन जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर एंड बोकारो। और अगर स्टील की बात करें, स्टील प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज जो हैं इंडिया में किन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं? जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो। द ओर इज मेल्टेड इन बिग फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस प्योर मेटल।
और जो ओर होती है इनको मेल्ट किया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जिससे कि मेटल्स इनको मिल सके। मैगनीज इज़ यूज टू मेक स्टील एंड वेरियस अलॉयज। जो मैगनीज है उससे स्टील और अलग अलग अलॉयज बनाए जाते हैं। रिजर्व्स आर फाउंड इन कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। और कहाँ पाया जाता है ये? कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैगनीज। जो इंडिया है ये पूरी विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में सेकेंड नंबर का निर्माता है मैगनीज का। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। इट इज़ यूज टू मेक एरोप्लेन यूटेंसिल एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स। और एल्यूमिनियम का यूज़ एरोप्लेन बनाने में, बर्तन बनाने में और दूसरी घर की चीज़ें बनाने में किया जाता है। झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु अदर स्टेट्स वेयर रिजर्व्स ऑफ बॉक्साइट आर फाउंड। और यहाँ पर ये वाली जो स्टेट्स हैं झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी और तमिलनाडु, यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन मेटेलिक मिनरल्स। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर थ्री इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जो तीन मेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं वह है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। दे आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। और इनको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। जो जीवाश्म से बना होता है ईंधन वो भी कहा जाता है। कोल इज़ यूज मेनली एज अ फ्यूल टू रन फैक्ट्रीज इन कुकिंग एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो कोयला होता है इसका मेनली यूज़ होता है फैक्ट्रीज में और खाना बनाने में, कुकिंग में और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। द मेन कोल माइनिंग एरियाज आर इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। जो मेनली इंडिया में वो वाले स्टेट जहाँ पे कोल माइनिंग है वो है झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। द इम्पॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स आर रानीगंज, झाड़िया, धनबाद, बोकारो, कोरबा एंड नवेली। मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू मेक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबाइल ऑयल एंड कुकिंग गैस। जो मिनरल ऑयल होता है इसको, या जिसको हम पेट्रोलियम भी कहते हैं, इसको रिफाइन किया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, जिससे कि हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबाइल ऑयल और कुकिंग गैस मिलती है। डीजल मेनली यूज एज फ्यूल और ये सब ईंधन जैसे ही यूज़ किया जाता है। मिनरल ऑयल इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। जो मिनरल ऑयल होता है ये पृथ्वी की बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर हमें प्राप्त होता है। वेल्स आर ड्रिल्ड डीप टू रीच द ऑयल। और बड़े बड़े कुएँ खोदे जाते हैं गहरे गहरे, जिससे कि हमें ऑयल मिल सके। एन एरिया विद मैनी ऑयल वेल्स इज कॉल्ड एन ऑयल फील्ड। एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे जो वेल्स होते हैं ऑयल के, वो अगर होता है तो उसको हम कहते हैं ऑयल फील्ड। देयर आर थ्री मेजर मिनरल्स और मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। दे आर असम, गुजरात एंड कोस्ट ऑफ मुंबई। द मेन मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर आर बॉम्बे हाई, डिगबोई, अंकलेश्वर, कैम्बे एंड सिपसागर। क्रूड मिनरल ऑयल इज रिफाइंड इन बिग रिफाइनरीज एट डिगबोई, कोची, मथुरा, हल्दिया, बरौनी, मुंबई एंड चेन्नई। दीज नेम्स यू हैव टू लर्न द नेम्स बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सम ऑयल फील्ड्स नेचुरल गैस इज फाउंड अलॉन्ग विद मिनरल ऑयल। कुछ ऐसे ऑयल फील्ड्स भी होते हैं जहाँ पे कि मिनरल ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस भी पाई जाती है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल कॉल्ड CNG। और जो नेचुरल गैस है ये भी एक प्रकार का इंधन है जिसको कि हम CNG कहते हैं। द मिनरल रिजर्व्स ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड, सो द अवेलेबल रिजर्व्स शुड बी यूज केयरफुली। जो हमारी पृथ्वी पर जो मिनरल्स है ये लिमिटेड है, तो इसी वजह से हमें जो उनका यूज़ है ये बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। तो इस तरीके से दिस इज द reading and explanation as well as of the chapter 12 about mineral resources. I hope that you understand this. So keep reading, keep learning. Thank you and have a nice day. Bye bye.